आज मैं दिखाने वाला हूं आपको 2019 का सबसे ग्रेटेस्ट ट्रिक मैक्स प्रो M1 के लिए। जी हां, ये है मेरा मैक्स प्रो M1 रनिंग स्टॉक एंड्रॉयड। जी हां, आप देख सकते हो यहां पे ये स्टॉक एंड्रॉयड है। सिस्टम में जाता हूं, अबाउट फोन, नवंबर 1 का सिक्योरिटी पैच लेवल एंड बिल्ड नंबर है 338। कोई कंफ्यूजन नहीं, यहां पे स्टॉक है, बिल्कुल स्टॉक। और अभी मैंने इसमें कोई मैं लास्ट जो वीडियो बनाया था उसमें मैं ब्लिस रॉम में था, उसके बाद मैंने इसे डायरेक्टली फ्लैश कर लिया। फ्लैश इसलिए किया, स्टॉक रॉम में वापस इसलिए आया क्योंकि मुझे ये वीडियो बनाना था। तो गाइज, आज का वीडियो बहुत खास है और स्टॉक रॉम जो यूज़ कर रहे हैं उसके लिए लाइफ सेविंग है। कैसे, चलिए आपको दिखाता हूँ। डायलर ऐप मैंने ओपन किया, यहाँ मेरे दोस्त से मैंने अभी वीडियो चैट किया। वीडियो चैट, अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, देखो आप यहाँ आइकॉन। तो आइकॉन से धोखा खाने का नहीं है, मैं एक बार कॉल लगा कर देखता हूँ। ओ तेरी लग गया कॉल। तो गाइज, वीडियो कॉल अब आप कर सकते हो मैक्स प्रो M1 स्टॉक रॉम में। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है फैंग को। जी हाँ, और इन्होंने ही ये गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किया है जिसे आप, और ये एक्चुअली इसमें 334 का मॉडेम यूज़ किया गया है और कुछ मॉडिफिकेशन इन्होंने किया है। और ये गूगल ड्राइव का लिंक है, एक फ्लैशेबल जिप है जिसे आप TWRP रिकवरी से फ्लैश कर सकते हो। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। स्विच ऑफ किया मैंने, स्विच ऑफ हो गया। अब मैं वॉल्यूम एंड पावर बटन प्रेस करता हूँ। तो गाइज, ये है TWRP रिकवरी मोड। और इंस्टॉल पे जाने के बाद ये आपको नीचे जिप फाइल दिख रहा होगा, VILTE, VOLTE नहीं है, ये VILTE पैच जिप है। और इसे बस आपको सिंपल फ्लैश कर लेना है। फ्लैश करने के बाद फ़ोन को रिबूट कर दीजिए। आपको इसके लिए रूटेड डिवाइस नहीं चाहिए, सिर्फ बूटलोडर अनलॉक्ड होना चाहिए क्योंकि आपको इसमें कस्टम रिकवरी यानी TWRP रिकवरी इंस्टॉल करना है, तो रूटेड डिवाइस नहीं चाहिए। अब पॉइंट यह है कि आपको बाद में OTA भी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, OTA आएगा या नहीं आएगा, तो आई डोंट नो इसमें OTA आएगा या नहीं आएगा। अब आप चाहो तो वापस से स्टॉक रिकवरी में जा सकते हो। उसके लिए क्या करना है, आपको फिर से कस्टम रिकवरी में यानी TWRP रिकवरी मोड में जाना है और recovery.img जो इसका स्टॉक रिकवरी है यानी मैक्स प्रो M1 का जो स्टॉक रिकवरी है उसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। कैसे करना है, मैं वापस से स्टॉक रिकवरी TWRP रिकवरी मोड में जाता हूँ। तो गाइस, हम वापस आ गए TWRP रिकवरी मोड में। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इंस्टॉल बटन पर टैप करता हूँ और अभी मैजिस्क अन इंस्टॉलर ये जिप को फ्लैश करके आपको दिखाता हूँ। इन केस कभी आपने, ये वीडियो का पार्ट नहीं है बट मैं आपको दिखा रहा हूँ, कभी आपको अनइंस्टॉल करना पड़ा रूट, तो आप मैजिस्क अन इंस्टॉलर को फ्लैश कर लीजिए। ये जिप फाइल लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब आपका डिवाइस जो है अनरूटेड हो गया, डन। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टॉक रिकवरी में वापस कैसे जाना है। इंस्टॉल इमेज पर टैप कीजिए, टैप करने के बाद recovery.img आपको दिख रहा है, इसका लिंक भी मैं नीचे आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। रिकवरी सेलेक्ट किया और स्वाइप टू कंफर्म किया, हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ रिकवरी चेंज हुआ या नहीं हुआ अपना। रिबूट टू रिकवरी करता हूँ मैं। तो देखा आपने, स्टॉक रिकवरी में हम वापस आ गए। अब मैं फ़ोन को फिर से रिबूट टू सिस्टम करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, अब हमारा डिवाइस जो है रूटेड नहीं है और इसमें है स्टॉक रिकवरी यानी OTA आ सकता है और हम इसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं। लेकिन हमने सिस्टम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है यानी एक जिप फाइल इंस्टॉल किया है और मुझे नहीं लगता कि इसके कारण से OTA नहीं आएगा। तो अब मैं नेक्स्ट OTA तक वेट करूँगा, उसके बाद ही आपको कन्फर्म करके बता सकता हूँ कि इसमें OTA आएगा या नहीं आएगा। या आप कहो तो मैं एक और ट्रिक लगा कर चेक करके कंफर्म कर सकता हूँ, बट आज नहीं। तो गाइज, सॉरी, मैजिस्क आप देख सकते हो यहाँ से गायब हो चुका, हमारा डिवाइस अब रूटेड नहीं है। मैं एक कॉल लगा कर वापिस से चेक करता हूँ कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इट्स वर्किंग यानी
काम कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है। तो बिना रूट किए डिवाइस में आप इनेबल कर सकते हो वीडियो कॉलिंग। थैंक यू मिस्टर पॉइजन फैंग। आपको आईफोन अनबॉक्स को थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं यार, सिर्फ सब्सक्राइब कर लो चैनल को और साथ में वीडियो को शेयर कर दो, दूसरों तक पहुंचा दो। शेयरिंग इज केयरिंग, यू नो। थैंक यू वेरी मच।